हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे अपने लाइफ में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि ये ट्विन फिल्म स्पेशल है, कि जो भी ट्विन फिल्म्स है ना, ये उनके लिए स्पेसिफिक रीडिंग है। तो आई होप आप जितने भी लोग हो, आप ट्विन फिल्म्स हो, क्योंकि मैंने ये उन्हीं की एनर्जी को चैनलाइज करके आज ये रीडिंग करूँगी मैं। तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो में और चेक करते हैं आपकी ट्विन फिल्म, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन आपको क्या मैसेज भेजना चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, ये सब हम जानेंगे आज के वीडियो में। ओके गाइस, तो सबसे पहले जो हमारा रिचुअल है, आप 3 बार अपने स्पेसिफिक पर्सन का नाम लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उससे मुझे आपकी एनर्जी चैनलाइज करने में हेल्प हो जाएगी। और लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। अगर आप चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। माई डियर एंजल्स, माई डियर डिवाइन गाइड्स, माई डियर स्पिरिट गाइड्स, माई डियर एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, इनके जो स्पेसिफिक पर्सन हैं, इनके जो ट्विन फ्लेम हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक ट्विन फ्लेम रीडिंग है, तो इनके जो ट्विन फ्लेम्स हैं, इनके और इनके बीच में क्या चल रहा है। ओके, ट्विन फ्लेम्स के बीच में क्या चल रहा है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, क्या है ट्विन फ्लेम एनर्जी शिफ्ट, क्या है एनर्जी ट्विन फ्लेम करंट एनर्जी, क्या चल रहा है इनके ट्विन फ्लेम करंट जर्नी के बारे में बताइए, इनका स्टेटस क्या है प्लीज एंजल्स एंसेस्टर्स। ओके यूनिवर्स, प्लीज टेल अस। ओके टेल अस मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, जो ट्विन फिल्म जर्नी में, इनके लिए क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, करंट एनर्जी क्या है, प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। ओके, 4 कार्ड्स हमें यूनिवर्स ने दिए हैं, 2 हम खुद लेंगे। ओके ओके एंड द बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी इज टावर इन रिवर्स। ओके गाइस, ओके गाइस, आप लोग कार्ड्स देख रहे होंगे। तो देखिए गाइस, हमें जो कार्ड्स है वो है द डेविल इन रिवर्स, 6 of Pentacles इन रिवर्स, King of Pentacles, 9 of Pentacles and 6 of Cups and 10 of Cups and the Tower in Reverse, okay? Bottom of the deck energy, Tower in Reverse. तो guys, जितना मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ये मैं ये देख पा रही हूँ कि आप और आपके जो ट्विन फ्लेम है, जो भी आप और आपके पर्सन है ना, अभी तक आपके बीच में टावर मूवमेंट रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन रही है, सेपरेशन पीरियड चल रहा था और एक बहुत ही गंदी सी एनर्जी थी आप दोनों के बीच में, जिसने आपको सेपरेट कर रखा था। नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन था, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ यहाँ पे किसी ने इल्यूजन स्पेल्स किए हैं। इल्यूजन स्पेल्स मीन्स आप और आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो एक टाइप की सिचुएशन इल्यूजन, जिसे हम कहते हैं, क्रिएट किया जाता है। और ये जो सिचुएशन क्रिएट करते हैं ना, ये थ्रू ब्लैक मैजिक और ऐसी कोई चीज़ें होती है, इनके थ्रू कराया जाता है। तो नो डाउट एक बहुत ही गंदी एनर्जी मैं देख रही हूँ। ये देखिए आप, द डेविल का कार्ड जो है आप देख सकते हो, तो ये जो कार्ड है ना, इसमें जो डेविल दिख रहा है आपको, ये आप और आपके पार्टनर के बीच में एक हथकड़ी सी जो है अलग करने के लिए, इल्यूजन स्पेल्स, ठीक है। बट ये कार्ड रिवर्स में आया है, इसका ये मतलब है ये पास्ट एनर्जी थी, ऐसा हुआ था आपके बीच में, बहुत ही गंदी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो गए थे। बट और टावर मूवमेंट था आपका, बिल्कुल ही कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, ठीक है। हो सकता है आपके जो भी पर्सन हो, वो किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है, वो फाइनेंशियली स्टेबल हो या फाइनेंशियली बहुत अच्छा हो, उनका मनी जो होता है ना, स्टेटस बहुत अच्छा है उनका फाइनेंशियल, तो आप इस पे से समझ सकते हो आपकी रीडिंग और रेजोनेट होती है कि नहीं। आप जो हो, आप खुद भी एक करियर ओरिएंटेड इंसान हो, फाइनेंशियली आपका हमेशा दिमाग में चलता है कि अपने फाइनेंसिस को कैसे ग्रो किया जाए, कहाँ कैसे इन्वेस्ट किया जाए, उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाए। आपकी भी सोच कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ की तरफ होती है, सेम फॉर योर पर्सन। दोनों ही पेंटाकल्स के कार्ड आए हैं, तो ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं कि आप दोनों ट्विन फ्लेम तो हो। वैसे भी हमने ट्विन फ्लेम्स के लिए कार्ड निकाले थे, बट ये कन्फर्मेशन आ चुका है। डेविल का कार्ड जो आया था रिवर्स में, ये भी कन्फर्मेशन है आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। गाइस, ट्विन फ्लेम जर्नी जो डिफिकल्ट होती है ना, ये वैसे भी डिफिकल्ट होती है, और हमारे लाइफ में जो लोग होते हैं ना, वो उसको और डिफिकल्ट कर देते हैं। और उनसे अगर नॉर्मली कोई नहीं हुआ आप और आपके पार्टनर के लिए, तो वो लोग ये ब्लैक मैजिक, ये इल्यूजन स्पेल से बकवास सी चीज़ें करते हैं, ठीक है गाइस। अब ये जो कार्ड है ना, ये इस पर कन्फर्मेशन है। हो सकता है आपके जो भी पार्टनर हैं, ये मैं देख रही हूँ,
काफी दान धर्म करते हैं, काफी चैरिटी करते हैं, काफी ज्यादा गरीबों की हेल्प करते हैं, काफी दयालु है फॉर द हम जिसे कहते हैं ना लोअर क्लास पीपल, मतलब हम जज नहीं कर रहे लोअर क्लास, जो फाइनेंशियली लोअर क्लास मैं बात कर रही हूँ, तो ऐसे जो लोग होते हैं नीडी पीपल जो होते हैं, इनकी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत चैरिटी करते हैं। आपके जो पार्टनर है मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। और जो नीचे हमें दो कार्ड्स आए, सिक्स ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, ये दोनों ही कार्ड्स इतने ब्रिलियंट हैं, आप देख सकते हो। एक है प्रपोजल कार्ड, एक है मैरिज कार्ड विथ किड्स। ओके, मतलब आप देख सकते हो फ्यूचर में क्या होने वाला है आपके साथ। आपको बहुत ही जल्द प्रपोजल मिलने वाला है, एंड दैट प्रपोजल विल एंड अप इन टू द मैरिज विथ गुड मैरिज, मीन्स गुड किड्स एंड ऑल, मीन्स अ परफेक्ट मैरिज, हैप्पी मैरिड मैरिज। आई कैन सी इट्स कमिंग इन फ्यूचर। ओके गाइज, टू क्लेम दिस एनर्जी कमेंट जरूर करिएगा 222 222। एंड हो सकता है आपको 666 666 बहुत दिख रहा हो या 1010 बहुत दिख रहा हो। कप्स की एनर्जी आई है, बहुत ही इमोशनल हो रहे हो आप अपने पार्टनर के लिए, अभी आपके पार्टनर भी आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं। बट ये जो टावर की एनर्जी थी, सेपरेशन पीरियड था ना, वो खत्म होने वाला है या खत्म हो चुका है बहुत लोगों के लिए। यू कैन एक्सपेक्ट अ कॉल, मैसेज और एनी कम्युनिकेशन टू योर वे फ्रॉम योर पार्टनर, क्योंकि देखिए अभी जो ये बकवास सी चीज़ करी गई थी आपको अलग करने के लिए, वो खत्म हो चुकी है, वो बैकफायर हो चुकी है, या फिर वो खत्म ही हो चुकी है बीच में। तो आपके पार्टनर और आप अपने अब हायर सेल्फ में जा चुके हो, और आपको अब यहाँ से आगे बढ़ना है, अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना है। तो आपके पार्टनर आपको बहुत ही जल्द प्रपोज करेंगे। टाइमिंग भी मैं आपको बताती हूँ प्रेडिक्ट करके, आप ये मान के चलिए 6 days to 6 weeks के अंदर आपको प्रपोजल आने वाला है। जब भी आपको प्रपोजल आए, डोंट फॉरगेट टू कमेंट, डोंट फॉरगेट, प्लीज लेट मी नो, या आई विल से दैट। 10 of Cups का कार्ड है। अगर आपको अपने पार्टनर के लिए थोड़ा सा भी ब्लेम, मीन्स थोड़ा सा भी संदेह हो कि हम लोग शादी करेंगे तो ये शादी अच्छी रहेगी कि नहीं, तो यहाँ पे कंफर्मेशन है, बहुत ही हैप्पी आप रहोगे साथ में, हैप्पीली एवर आफ्टर हम जिसे कहते हैं। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए आपके लिए। अभी तक जो परेशानियाँ चल रही थी आपके लाइफ में, ये किसी तीसरे की वजह से चल रही थी, जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहा था। बट आप दोनों ही पावर कपल हो, क्योंकि दोनों ही मैं देख रही हूँ अपने आप को, आप दोनों ने इतना इनर वर्क करा है, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, मटेरियलिस्टिक जिसे हम लाइफ कहते हैं, मतलब आपने अपने आप को दोनों सब जगह से ग्रोव करना सिखाया है। और मैं ये भी देख रही हूँ आप भी कुछ चैरिटी कर रहे हैं, जो भी आपसे हो पा रहा है आपके पार्टनर भी कर रहे हैं, और ये इसीलिए कर रहे हैं, आप भगवान से दुआ कर रहे हो दोनों एक दूसरे के लिए कि आप दोनों किसी भी तरह यूनियन हो जाए आप दोनों का, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल दूर नहीं रह पा रहे हैं। मैं देख रही हूँ यहाँ पे आपकी जो एनर्जी चैनलाइज हो रही है मुझे, कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही पैशनेट फील कर रहे हो, और अब जो वेट है ना आपका, वो खत्म होने वाला है गाइस, बहुत ही कम टाइम में, 6 days to 6 weeks का टाइम मैं आपको बता रही हूँ। आपको 666 दिख रहा होगा, गारंटेड यहाँ पे दिख रहा है ऐसे। अब हम ये चेक करते हैं कि आपके पार्टनर आपको स्पेसिफिक मैसेज क्या देना चाहते हैं। ओके, ये मैसेजेस मैंने आपके और आपके पार्टनर को चैनलाइज करके एनर्जी खुद बनाए हैं, तो लेट्स चेक क्या कहना चाहते हैं। माय डियर एंजल्स, डिवाइन गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, प्लीज टेल मी यूनिवर्स कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं स्पेसिफिकली। लेट्स चेक, मैरी मी प्लीज। देखिए गाइस, फर्स्ट कार्ड जो आया मैंने आपके सामने शफल किया है, यहाँ पे मैंने कहा था प्रपोजल, यहाँ पे मैंने कहा हैप्पी मैरिज, हैप्पीली एवर आफ्टर, और पहला कार्ड आया उनके मन में क्या चल रहा है, मैरी मी प्लीज, मीन्स आपको सोच रहे हैं, वो एक अच्छा सा प्रपोजल आपके लिए प्लान कर रहे हैं, और उसके बाद आपको वो मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे, और अंदर ही अंदर भगवान से दुआ कर रहे हैं आपके लिए कि आप उनसे शादी करने के लिए मान जाए। मैरी मी प्लीज का कार्ड आया है, बहुत ही फर्स्ट कार्ड है जो कन्फर्मेशन है, आप खुश हो जाइए गाइस, बहुत ही अच्छा कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड, आई एम सॉरी आई डिडंट ट्रस्ट यू इन द पास्ट, ये यही बता रहा है जो मैंने आपको कहा था, इल्यूजन स्पेल्स जो किए हैं ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने के लिए किए गए थे आपके बीच में, तो अभी जाके वो जो खत्म हो चुका है उसका असर, तो आप और आपके पार्टनर दोनों ही एक स्टेबल पेज पे आ चुके हो, एक पेज पे आ चुके हो, और उन्हें अब समझ आ रहा है कि आपकी कोई गलती नहीं थी, जो कुछ भी हुआ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में, इसलिए वो अब मैसेज दे रहे हैं आपको, आई एम सॉरी आई डिडंट ट्रस्ट यू इन द पास्ट। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड हम जो लेते हैं वो ये है, यू आर यूनिक, नो बडी इज लाइक यू माई लव, यू आर इरिप्लेसेबल, आई लव यू। यस, उन्हें आपकी कदर महसूस हो चुकी है, उन्हें पता चल चुका है कि आप लोग
आप जो हो ना, आपने उनके लिए जो कुछ भी किया है, जितने भी सैक्रिफाइसेस किए कोई और नहीं कर सकता, जितना भी आपने उन्हें प्यार किया है कोई और नहीं कर सकता, आपकी जगह उनकी लाइफ में कोई और नहीं ले सकता। वो आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपकी अहमियत उनकी लाइफ में आप समझ चुके हैं कि आप बहुत यूनिक हो, आपके जैसा उन्हें ना कोई मिल सकता है और ना मिलेगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट मैसेज हम लेंगे। ट्विन फ्लेम्स यूनियन इज कमिंग। देखिए, ट्विन फ्लेम यूनियन इज कमिंग, ये वाला कार्ड है। वन मोर कन्फर्मेशन फॉर यू। हमें 3 से 4 कार्ड आ चुके हैं जो ये कन्फर्म कर रहे हैं आप लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में। वैसे भी मैंने ये रीडिंग स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए बनाई है, बट कन्फर्मेशन भी बहुत आ रहे हैं। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू हग यू, किस यू एंड नेवर लेट यू गो अगेन। येस, दिस इज पैशनेट एनर्जी। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, द यूनियन इज कमिंग, द मैरिज इज कमिंग, द प्रपोजल इज कमिंग, द गुड टाइम्स आर कमिंग, योर पेन इज ओवर। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये था एक क्विक रीडिंग, रीडिंग आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ट्विन फ्लेम्स के लिए था स्पेशली। तो प्लीज़ अफर्म कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।